नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको कि जो अस्तर वाली पोशाक होती है उसके साथ में मछली का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा आता है, तो मछली कैसे बनाते हैं वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है, ये जो मछली है, इसको हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। अभी हम इसको सीधा करेंगे कपड़े को। इस तरीके से इसको सीधा करके हमें यहाँ से जो सिलाई दी है, यहाँ से हमें इसे पकड़ के इसको इस तरह से त्रिभुज के आकार में हमको इसको बनाना है। इस तरीके से बना के फिर यहाँ से जो है हमें कट करना है। पहले इसके दो भाग करने हैं। इस तरीके से ये दो भाग कर लिए हैं हमने। इसको हम फोल्ड में कट करेंगे, इसको लंबा नहीं मिचाएंगे ताकि हमें कटिंग आसानी से हो सके। और फिर ये जो कोना है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इस कोने से इस तरीके से। फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है, जैसे कि हम गुने की कढ़ाई करते हैं उस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। कटने के बाद ध्यान रखें कि हमें जो कुर्ते की मचकी है वो छोटी ही कट करनी है, तो ढाई इंच की कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से हमें नाप के कट करना है। इस तरीके से हमारी मछली कट हो जाएगी और सारी मछली है जो पूरी इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के एक के साइज की हमें कट करना है। मेरा ये रोज़ का काम है, इसलिए मैं एक के ऊपर एक का कट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको सही से एक साइड की कट नहीं हो तो आप एक के ऊपर एक करके कट कर सकते हो। तो मैंने जो है सारी मछलियाँ कट कर ली हैं, तो अब इसको हम जोड़ेंगे सारे टुकड़ों को। तो जोड़ते समय ये ध्यान रखना है हमें कि इसके जो तिरछे वाले भाग है उसको हमें दोनों तिरछे तिरछे भागों को नहीं जोड़ना है। इस तरीके से अगर हमने जोड़ ली मछली ये दोनों तिरछे तिरछे भाग, तो हमारी मछली वो सही नहीं बनेगी और हमें मछली भी बनने में बिगड़ जाएगी हमारी मछली। तो ध्यान दें कि ये वाला तीखा भाग ऊपर है तो दूसरे का तीखा भाग है, तिरछे वाला भाग है जो नीचे रहना चाहिए। जैसे कि इसका भाग ये ऊपर है तो ये वाला भाग है जो हमें नीचे रखना है। और इस तरीके से हमें इसको जॉइंट करना है। इस तरीके से हमें इसकी जॉइंट करनी है ताकि हम बनाएंगे तब ये लहरिया बनेगी। इस तरीके से है जो मैंने सारे मछली है जो जॉइंट कर ली है। तो अभी हम इसको बनाएंगे, इस पर गुणा लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला भाग है तीखा वाला, इसको कट करके हम सीधा कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड आधी ही करनी है हमें, ये जो है हमें सिलाई में रखनी है, ऊटनी करने के लिए रखनी है। और यहाँ पर हमें गुणा लगाना है। इस तरीके से गुने की जो पट्टी है इस पर रख के हमें सिलाई इसके बीच में करनी है।
ताकि हमें जो छोटी छोटी मिर्ची है इस साइड से हमें छोटी छोटी मिर्ची निकलेगी, जो ये कपड़ा है ये सारा सिलाई में चला जाएगा। तो चलिए सिलाई लगाते हैं, ये जो भी सिलाई को लगानी है गुणे पे। तो इस तरीके से हमारी मिर्ची है जो बन के तैयार हो जाएगी। ध्यान रहे हमें गुना एक ही साइज का कट करना है और इसके बीच में ही हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी सी भी यार लगाई तो मिर्ची छोटी हो जाएगी और इधर लगाई तो बड़ी हो जाएगी। तो हमारी मिर्ची है जो हम सूट पे लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएंगी, देखो ये एक जैसी बनी है। तो इस तरीके से हमारी मिर्ची है जो बन के तैयार है, देखो इस तरीके से मिर्ची हमें एक साइज की बनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।